इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्पटेंस इफेक्ट के बारे में। जितनी भी चीज़ें हैं कॉम्पटेंस इफेक्ट के रिगार्डिंग, हम सारी बातें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। जैसे कि कॉम्पटेंट इफेक्ट क्या होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, हम इसके अंदर पढ़ेंगे इसका डेरिवेशन, है ना। आपने बहुत एक लेंदी सी डेरिवेशन इसकी देखी होगी, तो वो डेरिवेशन आपको एक आसान भाषा में बताएंगे। तीसरी चीज़, कॉम्पटेंट शिफ्ट किसे कहते हैं। चौथी चीज़, कॉम्पटेंट वेवलेंथ किसे कहते हैं। पांचवी चीज़, कॉम्पटेंट शिफ्ट और कॉम्पटेंट वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। और सिक्स चीज हम ये पढ़ेंगे कि क्यों कॉम्पटेंट इफेक्ट जो है वो विजिबल रीजन के लिए नहीं दिखता। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये हम आपको एक सिंगल वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉम्पटेंस इफेक्ट से, ठीक है। हेडिंग लगाइए सभी, कॉम्पटेंस इफेक्ट। क्या होता है कॉम्पटेंट इफेक्ट वो समझते हैं। अगर आप 1921 से पहले की बात करें, है ना, अगर आप 1921 से पहले की बात करें, तो ये माना जाता था कि अगर एक कोई भी मान लीजिए सब्सटेंस है, कोई एटम हो जाए या कोई सब्सटेंस हो जाए मान लीजिए, और अगर उसमें हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेंक के मारें, हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेंक के मारी। अब याद रखना है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये हमारी मोनोक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक हायर फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं शॉर्टर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर मान लीजिए कोई हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, है ना, जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है और उसकी वेवलेंथ बहुत कम है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि एक्सरे हो गई या फिर क्या हो गई, गामा रे। अगर हम इनको अच्छा मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक समझ में आता है, एक ही वेवलेंथ हो। तो भैया अगर ऐसी लाइट को सब्सटेंस के ऊपर फेंक के मार रहे हैं तो लाइट जो है, मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्कैटर होती है, है ना। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कैटर्ड वेव। और ये देखा गया 1921 से पहले कि जो इंसिडेंट वेव की जो इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ थी वही किसकी निकल कर आई, स्कैटर्ड वेव की वेवलेंथ। इस स्कैटरिंग को बोला गया कोहेरेंट स्कैटरिंग। समझना ध्यान से, समझ आराम से। सबसे पहली चीज आती है दैट इज कोहेरेंट स्कैटरिंग। तो पहली चीज के समझ में भी पहली चीज समझ में ये आई कि अगर मान लीजिए लाइट जो है उसकी स्कैटर्ड वेवलेंथ, मतलब स्कैटर्ड वेव की वेवलेंथ और इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ में अगर कोई चेंज नहीं आता, अगर वेवलेंथ में फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता तो उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट स्कैटरिंग। उसके बाद 1921 में भैया हमारे जो ये भैया हमारे आए ए एच कॉम्पटन, इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने एक नई चीज़ ऑब्जर्व करी। उन्होंने कहा कि ठीक है कोहरेंट सोर्स स्कैटरिंग होता है लेकिन इनकोहरेंट स्कैटरिंग भी होता है। ध्यान से ना, इन्होंने बात करी इनकोहरेंट स्कैटरिंग का मतलब क्या था। इन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं भाई, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई एटम है, ये हमारे पास कोई एटम हो गया और हमने इसमें भैया इंसिडेंट जो लाइट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो फेंक के मारी, मान लीजिए इसकी फ्रिक्वेंसी थी या फिर इसकी वेवलेंथ थी लैम्डा, ठीक, और लाइट जो है वो फिर वो स्कैटर्ड हुई और स्कैटर्ड करने के बाद हम ये देखते हैं मान लीजिए इसकी लैम्डा वन है तो मतलब जो वेवलेंथ है वो चेंज हो रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है, चेंज। और चेंज भी कैसे हो रही है कि वेवलेंथ जो स्कैटर्ड की है, मतलब जो वेवलेंथ स्कैटर्ड वेव की है वो इंसिडेंट से ज्यादा आ रही है, ऐसा भी स्कैटरिंग देखने को मिला। पहले तो ये चीज थी, कॉम्पटन ने इसको पहली बार ऑब्जर्व करा कि भैया अगर मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्कैटर्ड करता हूं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कैसी, याद रखेगा जिसकी फ्रिक्वेंसी हायर हो और वेवलेंथ क्या हो, शॉर्टर, तो उसको अगर हम देखते हैं तो स्कैटर करने के बाद उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। अच्छा वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसको उन्होंने नाम दिया इनकोहरेंट स्कैटरिंग, और इसी फिनोमेना को जो इन्होंने ऑब्जर्व करा था इसी को उन्होंने नाम दिया कॉम्पटेंस इफेक्ट। क्या है कॉम्पटेंस इफेक्ट, ध्यान से समझिएगा आराम से बिल्कुल, कि अगर यहां पर अगर हम बात करें व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक हायर फ्रीक्वेंसी और
शॉर्टर वेव लेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्कैटर्ड देन द स्कैटर्ड वेव कंटेन्स या फिर हैज लॉन्गर वेवलेंथ या फिर लोअर फ्रिक्वेंसी, या फिर उसको ऐसे कह लो लॉन्गर वेवलेंथ, तो ये लॉन्गर वेवलेंथ होगी या फिर क्या होगी लोअर फ्रिक्वेंसी होगी, लिख लो उसको लोअर फ्रिक्वेंसी, लोअर फ्रिक्वेंसी, क्लियर। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड क्वांटम इफेक्ट, क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट हो बताओ। तो ये सिंपल भाषा में कि हमने यहाँ पर जो कोहरेंट स्कैटरिंग है और एक हो गया आपकी इनकोहरेंट स्कैटरिंग, इनकोहरेंट स्कैटरिंग में जो वेवलेंथ है जब लाइट स्कैटर्ड हो रही है तो उसकी वेवलेंथ में उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज आ रहा है, और इसी इफेक्ट को उन्होंने भैया पहली बार ऑब्जर्व करा था उसी ने उनको इसी इफेक्ट को उन्होंने अपना नाम दिया कॉन्टेंस इफेक्ट। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी, उन्होंने एक चीज़ ये ऑब्जर्व करी कि अगर मैं किसी भी एटम के ऊपर अगर मैं एक इंसिडेंट वेव फेंक के मारता हूँ, एक इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेंक के मारता हूँ, तो मुझे एक स्कैटर्ड वेव तो मिलती ही मिलती है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी भाई साहब इजेक्ट होता है, बाहर की तरफ निकलता है। इस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने नाम दिया, बताया क्या नाम दिया इस इलेक्ट्रॉन को, उन्होंने नाम दिया कॉम्पटन्स रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, कॉम्पटन्स रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में, आराम से समझिएगा, इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको सच में प्यार हो जाएगा टॉपिक से, लेकिन आराम से चीजों को समझते रहना, कहीं पर भी चीजें समझ में ना आए तो 10 सेकंड भैया पीछे घूम जाना, एक बार पीछे समझने की कोशिश करना। पहले बताइए इतना क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट है? अब यहां पर कॉम्पटन से, अब कॉम्पटन ने ऑब्जर्व तो कर लिया था यार वेवलेंथ में चेंज आएगा, फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगा, लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि फ्रिक्वेंसी में चेंज और या फिर वेवलेंथ में चेंज कितना आएगा, तो कोई तो मेजरमेंट होगी ना। अगर मैं 100 मीटर की या 100 एंगस्ट्रॉम की भैया मैं वेवलेंथ फेंक के मारता हूँ तो 100 से कितना बढ़ेगा, 120 बढ़ेगा, 130 बढ़ेगा, 140 बढ़ेगा, अरे भैया कोई तो फॉर्मूला होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो चेंज होगा ये किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, क्या ये स्कैटरिंग मटेरियल पर डिपेंड करेगा या फिर ये इंसिडेंट जो वेव है उस पर डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा ये भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कॉम्पटन के ऊपर अब बहुत सारे सवाल उठाए गए कि भाई ये बता ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, ये क्यों होगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस कॉम्पटन शिफ्ट का, मतलब ये जो कॉम्पटन का जो वेवलेंथ में जो चेंज आ रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन कॉम्पटन ने किसकी मदद से लिया, मदद से लिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। प्लैंक क्वांटम थ्योरी की अगेन मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज उसको जरूर देखिएगा। मतलब कि कॉम्पटन ने अपनी इसी इफेक्ट को, अपने इसी इफेक्ट को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन करा, फॉर्मूला भी डराइव कराया, क्लियर। अब एक्सप्लेन करते करते उन्होंने कुछ एजप्शंस लिए, यार इतना बड़ा भाई साहब इफेक्ट करेंगे तो एक आध तो एजप्शन चलेगा, तो पहले हम आपको बताएंगे एजप्शन क्या था और फिर एजप्शन करने के बाद हम इसका सेकेंड पॉइंट शुरू करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेरिवेशन, कि क्या इसका डेरिवेशन है। इतना सा नोट करिए जल्दी से, वीडियो से हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, डन। चलिए तो शुरुआत करेंगे अब इसके डेरिवेट, पहले बात करेंगे अजप्शंस, मतलब कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या अजप्शंस माने गए, क्या क्या माने गए भैया जरा देखते आ जाओ। अजप्शंस, सबसे पहला अजप्शन जो बेसिकली माना गया था, इन्होंने ये कहा था कि यार जो लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम उस स्कैटर्ड मटेरियल के ऊपर फेंक रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वो छोटे छोटे फोटॉन्स के रूप में ट्रेवल करती हो, है ना, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। तो इन्होंने ये कहा कि एक सिंगल फोटोन जो होगा, सिंगल फोटोन कोलाइड विद सिंगल इलेक्ट्रॉन। इन्होंने एक चीज बोली कि भैया एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन के साथ इंटरेक्शन करेगा, एक फोटोन जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ टिकरेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन 10-15 फोटोन से भाई साहब टकरा रहा होगा या 10-15 फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां पर अगर मैं बात करूं भाई, यहां पर एक फोटोन, मतलब कि फोटोन, वन फोटोन
और वन इलेक्ट्रॉन का ही इंट्रैक्शन होगा, बस इंट्रैक्शन होगा बस, और कोई इंट्रैक्शन हमको नहीं देखना। क्या पहली बात क्लियर हुई? मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक फोटोन होगा, क्लियर। दूसरा अजप्शन इनका क्या था, सेकेंड अजप्शन ये था कि जो कोलिजन होगा, कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिविस्टिक एंड इलास्टिक। ध्यान से समझा, कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिविस्टिक एंड इलास्टिक। इलास्टिक मतलब समझ में आ रहा है, इलास्टिक से क्या समझ में आ रहा है, यही इनका तीसरा assumption था। तीसरा assumption क्या था कि इन दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट में, या फिर इन दिस कोलिजन, इस कोलिजन में, कोलिजन किसका, वो फोटोन जो आ रहे हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन जो उस एटम के अंदर बैठा होगा, क्लियर। इन दिस कोलिजन लॉ ऑफ कंजर्वेशन या फिर मोमेंटम एंड एनर्जी आर कंज, क्लियर। तो ये कुछ छोटे से अजप्शन माने, और इन्हीं अजप्शन की मदद से अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। किस चीज का डेरिवेशन कर रहे हैं, मैं पहले आपको ये बता दूं हम किस चीज का डेरिवेशन कर रहे हैं। हम उस चीज का डेरिवेशन कर रहे हैं कि वेवलेंथ में कितना चेंज आया, वेवलेंथ में कितना चेंज आया। अगर मान लीजिए मैंने λ1 लाइट फेंक के मारी थी और मुझे स्कैटर करके λ2 मिल रही है, तो मतलब कि ये चेंज कितना है, मतलब λ2 − λ1 कितना होगा, λ2 − λ1 कितना होगा, उसका डेरिवेशन कराते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके हटाए। चलिए तो भैया शुरुआत करते हैं भैया मेरे इसकी डेरिवेशन, क्लियर। आराम से समझिएगा, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझो, देखो ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक एटम होगा जो पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। यहां पर शुरुआत में इसको रेस्ट में मानेंगे, किसमें मानेंगे, रेस्ट में। अब इसके ऊपर भैया ये देखो फोटोन आया, देखो ये रहा फोटोन, ओए भैया ऐसे करके फोटोन आया, ये हो गया हमारा इंसिडेंट फोटोन। बहुत बढ़िया, इसकी एनर्जी है h𝛎 और इसका मोमेंटम होगा hc और h𝛎/c। अब ये मोमेंटम कैसे आया भाई, ये वाला फॉर्मूला है ना मोमेंटम, ये वाला फॉर्मूला ना, एनर्जी इक्वल टू p²/2m से आप कर सकते हो, या फिर अब ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h/p, क्लियर। ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, p इधर आ गया, लैम्डा इधर आ गया, लैम्डा के प्लेस में हमने क्या पुट कर लिया, nu/c, ठीक। अच्छा भैया, तो मोमेंटम ये हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगी ये इस वाले किसकी, इंसिडेंट फोटोन की। अब ये फोटोन जैसे ही गया तो यहां पर बेसिकली एक तो ये रहा हमारा फोटोन, ये हमारा स्कैटर्ड फोटोन है, स्कैटर्ड फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई होगी, मान लो न्यू से कितनी हो गई, न्यू डैश हो गई, न्यू से कितनी हो गई, न्यू डैश हो गई, बताओ यहां तक क्लियर है। और अगर एनर्जी ये है तो मोमेंटम बताओ कितना होगा, वो होगा h𝛎′/c, h𝛎′/c, यहां तक क्लियर है भाई साहब, मजा आ गया यार, ठीक। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन रिकॉइल भी होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, एक इलेक्ट्रॉन भी रिकॉइल हो रहा होगा, वो रहा ये जिसकी वेलोसिटी होगी भी, ठीक। मान लीजिए ये स्कैटर्ड फोटोन फाई एंगल पे, फाई एंगल से बैंड हुआ और ये हो गया थीटा एंगल से, जरूर थोड़ा ना दोनों इक्वल एंगल पे होंगे भाई, ऐसे करके यहां पर पहले एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन था, फोटोन इसके ऊपर गिरा, गिरने से स्कैटर्ड ऐसे हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो दोनों अलग अलग एंगल पे जा सकते हैं, तो एक फाई ले लिया एक थीटा ले लिया, क्लियर है। यहां पर हमने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करी और ये हमने ड्रॉ कर दी वाई एक्सिस, क्लियर। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसकी एनर्जी बता सकते हो कितनी होगी, एनर्जी होगी mc² और इसका मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, जो भी इसकी वेलोसिटी होगी। और अगर ये शुरुआत में जब होगा, ये जब रेस्ट में था, देखो यहां पर, तब इसकी एनर्जी कितनी थी, m0c², m0 क्यों लिया, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वहां पर m क्यों लिया, क्योंकि रिलेटिव स्टिक भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब भागेगा तो उसका मास अलग हो जाएगा, और इसका मोमेंटम कितना होगा शुरुआत में, जीरो। जब देखिए यहां तक कोई डाउट है, सारी बातें क्लियर है, कोई डाउट, अब आ जाओ। अब ये जो मोमेंटम है, देखो ये जो मोमेंटम है h𝛎/c, इसके दो कॉम्पोनेंट बनेंगे, एंगल की तरफ आएगा कॉस, एंगल के परे कौन आएगा, साइन। ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम का वेक्टर होगा, इसके भी दो कॉम्पोनेंट होंगे, तो मैं करके दिखाता हूँ।
देखो यहां पर एक कंपोनेंट तो हो गया इसका एच न्यू बाय सी कॉस फाइव, और एक हो गया एमवी का कंपोनेंट एमवी कॉस थीटा। देखो जहां सही है, उसके बाद इस वेक्टर का यहां पर एक वो आएगा कंपोनेंट, ये हो जाएगा एच न्यू बाय सी साइन फाइव, और एमवी का आ जाएगा नीचे की तरफ ऐसे एमवी साइन थीटा। जरा देखो पूरा डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछिए पहले। क्लियर है, क्लियर है? चलो तो शुरू करते हैं डेरिवेशन। सबसे पहले आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी शुरुआत में होगी सिस्टम की वही एनर्जी किस में होगी बाद में होगी। अच्छा शुरुआत में किस किस की एनर्जी होगी, एक ये जो इंसिडेंट फोटोन होगा और एक ये जो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में होगा, तो जरा बताना एनर्जी कितनी होगी। फोटोन की एनर्जी बताओ, एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू बाद में की एनर्जी, इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी होगी एच न्यू डैश प्लस में एम सी स्क्वायर। जरा देखो क्लियर है, ये एम सी स्क्वायर बाद की इलेक्ट्रॉन की रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की वो है एनर्जी। जरा बताओ यहां तक क्लियर है, उसके बाद सॉल्व करो उसको। जरा इधर देखो, इसको इधर फेंक रहे हैं भाई साहब, है ना, इसको इधर फेंक रहे हैं, तो जरा देखना एम सी स्क्वायर मेरा निकल कर आया एम नॉट एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। चलो पहले इक्वेशन छोड़ो, क्या बताओ। देखो यहां से क्लियर है, क्लियर है, देखो ना यहाँ पर एम एच न्यू जो है हमारा, इस चीज को हमने इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर, ये इधर हो गया एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस में एम नॉट सी स्क्वायर। कोई डाउट? इसका इस इक्वेशन का स्क्वायर करिए, स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, जरा स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर सी की पावर फोर। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आराम से आराम से आराम से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस पूरे का ए स्क्वायर इस पूरे का बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब देख, अच्छा इसका स्क्वायर है मतलब कि इसका भी होल स्क्वायर चलेगा, तो जरा देख एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर माइनस टू न्यू न्यू डैश, जरा देख ध्यान से। अरे इसका पूरे का स्क्वायर यही तो होगा, न्यू का स्क्वायर प्लस न्यू डैश का स्क्वायर माइनस टू न्यू न्यू डैश प्लस इसका स्क्वायर कर, प्लस प्लस आएगा माइनस आएगा ना, नहीं प्लस ही तो आएगा, प्लस टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ये तेरी पहली इक्वेशन बनेगी। जरा देख ध्यान से, कोई डाउट है आराम से देखिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। क्लियर है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी, कोई डाउट? आगे देख, अब हम यहां पर एनर्जी, पहली क्वेश्चन हमने एनर्जी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाली, अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे पहले एक्स एक्सिस पर उसके बाद वाई एक्सिस पर, और दो इक्वेशन बनाएंगे। तो जरा देख, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो शुरुआत में मोमेंटम होगा वही तुम्हारा किसमें होगा बाद में होगा। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे इसके पास फोटोन के पास मोमेंटम था ये वाला, दैट इज एच न्यू बाय सी। शुरुआत में इलेक्ट्रॉन पे तो कोई मोमेंटम ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन पे तो कोई मोमेंटम नहीं था। उसके बाद देखो ये दोनों मोमेंटम सब ऐसे करके ना, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जो सेम डायरेक्शन होंगे उनको ऐड कर देंगे, तो एच न्यू डैश बाय सी कॉस फाई, और एक हो जाएगा तेरा एम वी कॉस थीटा। देखना ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जरा देख यहां लिख रहा हूं मैं इसको, इक्वल टू एच न्यू बाय सी कॉस फाई प्लस एम वी कॉस थीटा। अच्छा इस चीज को पीछे भेज, इस चीज को इधर भेज दूं और सी को इधर भेज दूं, तो जरा क्या ये क्वेश्चन बने कि एम वी सी कॉस थीटा एच न्यू माइनस न्यू डैश। जरा देख ये तेरी दूसरी क्वेश्चन होगी, देख ध्यान से, इस चीज को इधर भेज दिया सी को उधर भेज दिया, यहां से एच कॉमन ली, ऐसे ही वाई एक्सिस पे निकाल, जरा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इसका तो वाई एक्सिस पे मोमेंटम जीरो है क्योंकि यार ये तो एक्स एक्सिस पे चल रहा था ना यू करके, तो मोमेंटम वाई एक्सिस पे कितना है जीरो। इलेक्ट्रॉन का वाई एक्सिस पे मोमेंटम कितना है जीरो, क्योंकि दोनों
कहा वाई एक्सिस में कोई मोमेंटम नहीं है, लेकिन देखो इसका स्कैटर का देखो एक मोमेंटम ऊपर आ रहा है और एक मोमेंटम नीचे आ रहा है, मतलब एक मोमेंटम ऐसे एक मोमेंटम भैया ऐसे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, मतलब हो जाएगा तेरा एच न्यू बाय सी साइन फाई माइनस का एम वी साइन थीटा, ये इधर चला गया माइनस से माइनस कैंसिल, सी इधर चला गया, तो ये हो जाएगा तेरा एम वी सी साइन थीटा इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाई, ये हो गई तेरी थर्ड इक्वेशन। जब देख ध्यान से, अभी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करा, फिर मोमेंटम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज करा, अब क्या करना है, अब करना है आगे देख आगे देख आगे देख, आराम से देखता रहियो, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, सब समझ में आएगा। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री, ये जो दूसरे और तीसरे इक्वेशन है इनको स्क्वायर करो और ऐड करो, करियो जरा ऐड, क्यों ऐड कर रहा हूं मैं, स्क्वायर कर रहा हूं क्योंकि कॉस थीटा मर जाएगा, ये थीटा गायब हो जाएगा, देख करके देख, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ले रहे अच्छा इसका स्क्वायर करियो, इसका स्क्वायर पता कितना आएगा, ये आएगा तेरा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस टू न्यू न्यू डैश अच्छा यहां पर कॉस फाई रह गया ना, यहां पर देखो ध्यान से एक चीज, एक सेकंड रुको, यहां पर ये कॉस फाई रह गया, यहां पर कॉस फाई रह गया, ठीक है आराम से देखो ध्यान से, यहां पर कॉस फाई रह गया था तो कॉस फाई लिख दिया मैंने यहां पर, तो देख दिया ध्यान से क्या आएगा, कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई माइनस टू न्यू न्यू डैश कॉस फाई प्लस में ये साइन स्क्वायर फाई, जरा देख ध्यान से आराम से देख, छोटी सी एक चीज रह गई थी बेटा भैया मेरे, यहाँ पर कॉस फाई रह गया था, यहाँ पर कॉस, ठीक है तो देख ध्यान से, तो भैया इसका स्क्वायर करा तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस टू ए बी, तो टू ए बी अच्छा यहाँ पर एच स्क्वायर, यहाँ पर एच स्क्वायर कॉमन आ जाता ना, तो इसलिए इस चीज को स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देख कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये चीज तो कॉमन आ गई, तो जरा करियो क्या आएगा, यह आ जाएगा तेरा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे देख ये कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई ये वन हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया, तो जरा बता मैं इक्वेशन आएगी तेरी ये, ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन, जरा देखो भाई ध्यान से, क्लियर है, क्लियर है ध्यान से देखो, जरा कोई डाउट हो तो बताओ, ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये दोनों चीजें यहां से न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर को कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव तो हो गया वन माइनस का सेम चीज, यहां तक देखिए कोई डाउट है, अब क्या करना है, अब यहां पर आपको फर्स्ट इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, जरा देख ध्यान से, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर वन एंड फोर, तो करो भाई जरा, एम स्क्वायर सी की पावर फोर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो ना इस चीज को इससे माइनस कर दिया, क्लियर आराम से, परेशान मत होना कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, एक बार वीडियो को मतलब रिवाइंड कर लेना, एक बार पीछे कर लेना वीडियो को 10 सेकंड के लिए 15 सेकंड के लिए, ठीक है गलती मत करो आराम से। अब जरा भैया हो जा शुरू, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो देख एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एच की, ऐसे यहाँ देख एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश प्लस एम नॉट सी की पावर फोर एम नॉट सी की पावर फोर प्लस टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, जरा देख लो ध्यान से एक बार, है ना यहाँ पर इसका स्क्वायर हो गया तो एम नॉट स्क्वायर सी की पावर फोर, देखो ध्यान से इससे इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी मल्टीप्लाई इसकी इससे मल्टीप्लाई उसके बाद प्लस ये उसके बाद प्लस टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, क्लियर है आराम से देखो कोई टेंशन की बात नहीं है। माइनस करना है अभी किसको माइनस करना है, फोर्थ इक्वेशन को, देखिए फोर्थ इक्वेशन एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव, यार देखो क्लियर है।
क्लियर है, काटा पीटी करो, काटा पीटी करो, देखो ये कट गया, ये कट गया, बस बस बस, ज्यादा काटा पीटी नहीं, काटते काटते हॉपलेस हो जाओ। यहां पर देखो क्या एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये बना मेरा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, भाई यहां से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां पर बचा सी स्क्वायर और यहां पर बचा वी स्क्वायर। अच्छा यहां पर क्या क्या बच रहा है जरा लिखना एक बार। अच्छा टू एच स्क्वायर यहां पर भी है, टू एच स्क्वायर यहां पर भी है, यहां पर माइनस का टू एच है, वहां पर देख 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 इसको लिख रहा हूं पहले मैं, टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ये चीज मैंने लिख दी यहां पर, क्लियर है। उसके बाद देख यहां देख, इसमें से मैं टू एच स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश, तो ये हो जाएगा कॉस फाइव माइनस का वन, ये हो गई तेरी फिफ्थ इक्वेशन। अरे इसमें से टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉमन ले लिया ना, ये हो जाएगा कॉस वाई प्लस का माइनस का वन, देख ध्यान से, क्लियर है, क्लियर है, नोट करिए पहले, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। चलिए हटाए, हो गया, ये वाला हटा देता हूं, ये यूज करेंगे आगे। अब देखो ध्यान से, हम अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, अच्छा m जो है वो हमारा रिलेटिव स्टिक मास है, अगर ये रिलेटिव स्टिक मास है तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी m के प्लेस में मैं क्या यूज कर सकता हूँ, m के प्लेस में मैं यूज कर सकता हूँ m नॉट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का होल रूट, तो मैं अब इस वैल्यू को यहां पर यूज करूंगा, इस वैल्यू को यहां पर यूज करूंगा, देख लो ध्यान से, यहां पर कुछ रह तो नहीं गया, ये चीज हो गई, अच्छा ये चीज रहेगी ना एम स्क्वायर सी की पावर फोर, एक सेकंड रुको, थोड़ी बड़ी डेरिवेशन है, आराम से देखना, कोई दिक्कत ना हो जाए, आराम से देख लो ध्यान से, ये चीज यहां आ गई एम नॉट सी स्क्वायर, ये चीज यहां आ गई, क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, तो अब एम के प्लेस में मैं एम नॉट अंडर रूट में वो यूज करूंगा, तो देखो एम स्क्वायर अपॉन में वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, एम के प्लेस में मैंने ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर दिया, ये एज इट इज चलेगा। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं, तो इसको सेम लिख लेंगे, इसको सेम उतार दो, इसको सेम उतार दिया, क्लियर, टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव माइनस वन, सेम उतार दिया इसको, क्लियर है। अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं, देखो ये सी स्क्वायर हो गया, देखो इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा, भाई मेरे इसको सॉल्व करो ना, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो ये चीज से कैंसिल, और सी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सी की पावर फोर, भाई इसका एलसीएम ले लिया सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो इससे कैंसिल, और सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा सी की पावर फोर, तो हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी की पावर फोर इज इक्वल टू टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव माइनस वन प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट, देख ये पूरी चीज कैंसिल हो गई, यहां पर क्या बचा जीरो, इस चीज को इधर भेजो माइनस के साथ, तो हो जाएगा माइनस का टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव माइनस का वन, आराम से देखो, कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है। अब देखो अच्छा माइनस साइन अगर मैं अंदर भेजूँ तो ये रिवर्स हो जाएगा, और टू से देखो ये टू कैंसिल हो रहा है, ये टू से टू क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, और एच से एक एच कैंसिल हो रहा है, तो जरा बताना क्या बच्चा मेरा, मुझे बच्चा न्यू माइनस न्यू डैश, अच्छा इसको भी एम नॉट सी स्क्वायर को नीचे भेज दो, तो ये तुम्हारा बनेगा एच, क्योंकि यहां पर एक एच बच गया, अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस फाइव, जरा देख ध्यान से आराम से देख, माइनस साइन इधर भेजा एम नॉट सी स्क्वायर को नीचे भेजा, एक एच से एक एच काटा, एक टू से एक टू काटा, यहां पर भैया एक बचा कैच, कैच नहीं कह रहा हूं एच, क्लियर है। अरे यार देखना समझ में आया कि नहीं आया, आराम से देख देख देख, देख आराम से, है ना, बढ़िया डेरिवेशन है, बढ़िया टॉपिक है, आराम से देख, कोई डाउट हो तो बता, क्लियर है, चल तो भैया अब देख, अच्छा एक सी को आराम से देख पहले यहां पर देख, अच्छा एक चीज, अच्छा ये चीज रहेगी ना न्यू न्यू डैश, इसको तो भूल ही गए, अच्छा इसे न्यू डैश को नीचे फेंक दे,
तो जब देख अच्छा एक बार ये इसके साथ, एक बार ये इसके साथ, तो क्या बचेगा, वन बाय न्यू डैश, भाई ये इसके साथ आया तो न्यू से न्यू कैंसिल, वन बाय न्यू डैश माइनस वन बाय न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस फाई। तो देखो क्लियर है, क्लियर है, इसको हटा दें, इसको हटा दें, ठीक है। अब यहां से सी स्क्वायर है तो एक सी इधर भेज दूं, अगर मैं इस एक सी इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा सी बाय न्यू डैश माइनस सी बाय न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी वन माइनस कॉस फाइव। अच्छा ये क्या बना, सी बाय न्यू लेमडा, ये हो गया हमारा लेमडा डैश माइनस का लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी वन माइनस कॉस फाइव। और अगर आप ध्यान से देखें यही तो फॉर्मूला आया। अरे ये वेवलेंथ बेसिकली क्या है, लेमडा डैश हमारी क्या है, वो जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ, और ये जो लैम्डा है ये कौन सा है, ये जो हमारा लैम्डा है ये कौन सा है, जो हमारा इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ, मतलब कि दोनों वेवलेंथ का क्या डिफरेंस समझ में आया, तो यही तो निकालना था हमें। और इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉम्पटेंस शिफ्ट, सुनो ध्यान से, ध्यान आराम से, आराम से, आराम से, इसको ही हम बोलते हैं डेल लैम्डा विच इज एच अपॉन में एम नॉट सी वन माइनस कॉस फाइव। फॉर्मूला याद रखेंगे, ये कॉम्पटेंस शिफ्ट का फॉर्मूला है, डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी वन माइनस कॉस फाइव, वे डेल लैम्डा इज कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट की वेवलेंथ में कितना शिफ्ट हुआ, 100 से 120 में गई कितना शिफ्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। और इससे साफ साफ, इस फॉर्मूले से साफ साफ समझ में एक बात आती है, नोट डालेंगे, काम की चीज बता रहे हैं, नोट डालेंगे, नोट है ना, नोट डालेंगे भाई साहब, कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है, पहली चीज समझ ना, कॉम्पटन शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ क्या है उस पर डिपेंड ही नहीं करता, मतलब ये जो शिफ्ट होगा वेवलेंथ का ये इंसिडेंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे डिपेंड नहीं करता, ना ही ये डिपेंड करता, ना ही ये डिपेंड करता इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मटेरियल, या फिर मटेरियल नहीं कह सकते, नेचर, नेचर ऑफ स्कैटर्ड मटेरियल, जो स्कैटर्ड मटेरियल है, जो स्कैटरिंग मटेरियल है उसके भी नेचर पे डिपेंड नहीं करता, आप कोई भी ले लो उस पर डिपेंड नहीं करता, तो ये डिपेंड करता किस पे, कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ फाइव पर, दैट इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, कि किस एंगल से लाइट स्कैटर होगी, ध्यान समझना, मतलब कि कॉम्पटन शिफ्ट जो है डेल लैम्डा इज ओनली डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग जिसको हम डेल फाइव, डेल फाइव नहीं सिर्फ फाइव, क्लियर है, ये हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग है कॉम्पटन शिफ्ट के, बोले बताइए यहां तक कोई डाउट है, आराम से देख लीजिए डेरिवेशन, सिंपल सी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी गलती मेरे से भी हो गई थी आपको, लेकिन टेंशन नहीं, ठीक है, आराम से देखो, कोई डाउट है तो बताइए, फॉर्मूला याद रखेंगे, डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी वन माइनस कॉस फाइव, वेयर फाइव इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अच्छा अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि वो जो स्कैटरिंग फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी, तो निकाल लो इसमें क्या टेंशन लेना है, लैम्डा को उधर फेंक के मार दो, तो जरा बताना है यहां पर, जरा बताना भाई साहब, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, जो स्कैटर्ड फोटोन होगा उसकी वेवलेंथ बताओ कितनी होगी, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एच अपॉन में एम नॉट सी वन माइनस कॉस फाइव। क्लियर है, क्लियर है, तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया खत्म, और ये हो गया कॉम्पटन शिफ्ट किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, और ये है स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ। अब बात करते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ किसे कहते हैं, नोट करेंगे जल्दी से इसको, वीडियो को पॉज कर लीजिए, चलिए हटा दें, देख रहे हैं इसी के अंदर यहां पर आता है कॉम्पटन
वेवलेंथ, लैम्डा सी। अब ये कॉम्प्टन्स वेवलेंथ क्या है, आराम से समझो, आराम से। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो डेल लैम्डा होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल लैम्डा इक्वल होता है आपके इसके, क्या देखना, डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी वन माइनस कॉस फाई। भाई यही तो फॉर्मूला था। अगर मैं बात करूं फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, सुनते रहना ध्यान से, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो जरा मुझे बताना इलेक्ट्रॉन के लिए मास कितना हो जाएगा, रेस्ट मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी, और अगर मैं सी की वैल्यू डालूं तो यह आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एच की वैल्यू अगर मैं डालूं तो यह आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू में सेकेंड। और अगर मान लीजिए फाई 90 डिग्री है, मान लीजिए एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो 90 डिग्री है, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो जो लैम्डा होगा, ध्यान समझना, जो लैम्डा में चेंज होगा वो बेसिकली किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 0.0242 एंगस्ट्रॉम, और इसी को हम बोलते हैं लैम्डा सी। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा सी। आराम से आराम से आराम से आराम से, अब कंफ्यूज मत हो जाना कि कॉम्प्टन शिफ्ट और लैम्डा सी एक ही, अलग अलग है भाई, अलग अलग है। अभी बताते हैं, रुको, ध्यान से समझो। यहां पर मैंने बताया कि ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं ना एच अपॉन में एम नॉट सी, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। अच्छा एक चीज और याद रखना, कॉस 90, सॉरी ये 0, ये चीज तो 1 हो गई, ये चीज जो आप देख रहे हैं ये चीज इसको इसको जब आप सॉल्व करोगे यहां पर वैल्यू पुट करके तो आपको मिलेगा 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ये जो वेवलेंथ आ रही है ना इसको हम कॉम्प्टन शिफ्ट कहते हैं। क्या है कॉम्प्टन शिफ्ट, कॉम्प्टन शिफ्ट बेसिकली एक वो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, ध्यान से मेरा, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग 90 डिग्री पे देखी जा रही है। आराम समझो आराम से, कॉम्प्टन शिफ्ट याद रखना, सॉरी कॉम्प्टन शिफ्ट कह रहा हूँ, कॉम्प्टन वेवलेंथ। इज अ वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, क्या विच हैज 90 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, सो याद रखने वाली बात यहां पर क्या, ऐसे तुम ना ऐसे समझ लो, एक काम करो इसको ऐसे समझ लो, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है, देखो ये चीज तो वैसे भी हट जानी थी कॉस फाई, ये जो तुम ये जो चीज देख रहे हो, ये जो चीज है इसको लैम्डा सी कह रहे हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 0.0242। मतलब ऐसे समझो यार, कॉम्प्टन शिफ्ट जो है, सॉरी कॉम्प्टन वेवलेंथ जो है वो एक सिंपल एक स्टैंडर्ड मल्टीपल है, इसके मल्टीपल से वेवलेंथ घटेगी, इसके मल्टीपल से वेवलेंथ घटेगी, मतलब घटेगी या बढ़ेगी, वैसे तो बढ़ेगी क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू 1 से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, तो हमेशा बढ़ेगी, इसके मल्टीपल्स में बढ़ेगी। और ये जो मल्टी और ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, थोड़ा मैं आपको डिफरेंस करके बता दूं, ये हो गया हमारा लेमडा सी और ये हो गया हमारा डेल लेमडा। अगर मैं लेमडा सी की बात करूं तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है लैम्डा सी की, दैट इज 0.0242 एंगस्ट्रॉम। बट अगर मैं लैम्डा डेल लैम्डा की बात करूं तो डेल लैम्डा इज वेरिएबल, अरे ये वेरी करेगी ना भाई, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन, डेल लैम्डा जो है वो डिपेंड कर रहा है कॉस फाई की वैल्यू पर, फाई अलग हो गया तो डेल लैम्डा बदल जाएगा, तो डेल लैम्डा तो वेरिएबल है, लेकिन लैम्डा सी जो है ये जो मल्टीपल आप देख रहे हैं इसको लैम्डा सी बोल रहे हैं। मतलब कि अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई, 1 माइनस कॉस फाई, ये भी एक रिलेशन बनता है, 1 माइनस कॉस फाई। फिर तो जरा ध्यान से देखिए, यहां तक तो कोई डाउट है कॉम्प्टन्स शिफ्ट में, कॉम्प्टन्स वेवलेंथ में, उसके डेरिवेशन में, इसके कॉन्सेप्ट में, और फिर लास्ट यहां पर ये आता है कि कॉम्प्टन्स शिफ्ट जो है, ये जो कॉम्प्टन्स इफेक्ट जो है ये विजिबल लाइट के लिए क्यों नहीं दिखता, विजिबल लाइट के लिए क्यों नहीं दिखता, इसका रीजन देखते हैं, नोट करो जल्दी से पहले इतना। Why Compton's effect not occur for visible rays?
बड़ा सिंपल सा रीजन है, इधर देखो, अगर मैं बात करूं फॉर विजिबल रीजन, ज्यादातर विजिबल रीजन की जो अगर मैं वेवलेंथ एवरेज वेवलेंथ लूं तो वो बेसिकली होगी आपकी 6000 × 10^-10 मतलब 10 मीटर। अब अगर इतनी वेवलेंथ है, अगर इतनी वेवलेंथ है तो यहां पर अगर आप एनर्जी निकालो, मतलब जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट फोटोन, जो फोटोन होगा विजिबल लाइट का, उसकी एनर्जी देखो जरा, देखना कितनी होगी एनर्जी फोटोन की विजिबल की, वो होगी एच न्यू भाई, इतनी तो होगी एच न्यू। और एच न्यू के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्बडा, ये हो जाएगा 6.6 × 10^-34, ये हो जाएगा मेरा 3 × 10^8, और ये हो जाएगा मेरा 6000 × 10^-10 मीटर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स वैल्यू ये आएगी, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सोचो ध्यान से, ना अगर आप यूवी रे की भी निकालते हो ना, यूवी रे के फोटोन की एनर्जी निकालते हो तो वो भी निकल कर आती है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? अब समझना, ध्यान समझना, अगर आप एक एटम की बात करें, मैं बहुत सिंपल सा एक एटम ले लेता हूं, मैं बात कर लेता हूं फॉर हाइड्रोजन एटम। अच्छा, हाइड्रोजन एटम कैसा होता है? देखो, हाइड्रोजन एटम ऐसे ही तो होता है कि यहां पर भाई साहब न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फुर्र फुर्र करके घूम रहा होता है। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन की एक बाइंडिंग एनर्जी होती है, क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब ये कि जो इस इलेक्ट्रॉन को इसी ऑर्बिट में बाइंड करके रखती है, उसको बांध के रखती है। और अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं ना, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी बताए कितनी होती है, याद करो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और विजिबल लाइट के जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन। अरे सोच के देखो ना, अगर हाइड्रोजन का ये एटम है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसको जब 13.6 से ज्यादा वाला फोटोन जब टकराएगा, तब जाके भाई उसकी जो क्या कहते हैं उसकी तब वो एटम से बाहर निकलेगा, मतलब तब आप उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं विजिबल की, या फिर हम आप कह लो विजिबल की या फिर यूवी की, इनकी फोटोन की एनर्जी ही कम है। अगर अब देखो ना, यहां पर अगर मैं विजिबल की बात करूं, एनर्जी ऑफ विजिबल या फिर एनर्जी ऑफ यूवी, अरे भैया ये बाइंडिंग एनर्जी से तो कम ही है। तो क्या विजिबल या यूवी रेस के लिए आप इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री मान सकते हैं? नहीं, क्वांटम इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन्स फिर पार्टिसिपेट नहीं करते इन इन रेंज के लिए। ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, फिर पूरा पूरा एटम पार्टिसिपेट करता है। मतलब रीजन समझे, तो रीजन एक तो रीजन ये हो गया, और इसका मतलब समझो कि फॉर विजिबल या फिर यूवी, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंसिडर्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मैं एक्सरे की बात करूं, गामा रेज की बात करूं, उसमें हो सकता है। अगर मैं बात करूं फॉर एक्सरे या फिर गामा रे, इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आप इनकी एनर्जी को निकालोगे ना, इनकी एनर्जी को निकालोगे तो वो 10 × 3 times होती है विजिबल या फिर अल्ट्रा वायलेट की। 10³ 1000 गुना ज्यादा भाई। तो सोच के देखो, फॉर एक्सरे, फॉर गामा रेज, ऐसी वेवलेंथ के लिए, ऐसी रेडिएशन के लिए जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको आप कंसिडर फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है, वो बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है। जब ये गिरेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन खुद ही निकलने को तैयार है। अच्छा भैया, एनर्जी ज्यादा, मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, सो फॉर एक्सरे या फिर गामा रे, इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा रीजन मैंने आपको बताया कि क्यों विजिबल रेंज जो है वो नहीं होती, मतलब विजिबल रेंज में नहीं दिखता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, क्वांटम इफेक्ट की। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको क्वांटम इफेक्ट इजी भाषा में समझा सकूं। हाँ, डेरिवेशन में ध्यान देते रहना, कुछ छोटी छोटी चीजें, कुछ छोटे छोटे टर्म्स मेरे से भी मिस हुए थे, बट आराम से देख लीजिएगा, मैंने वो सही कर दिए थे। क्लियर? आराम से देखिएगा, डेरिवेशन को एक या दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आप कर लोगे। ठीक है, आपके स्कूल के आराम, सॉरी 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 कॉलेज के एग्जाम के अगर उसमें आया, तो आप आराम से उसको लिख सकते हो। क्लियर?
नोट्स अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।